नमस्ते सत श्री अकाल कैंचो हेलो दोस्तों, आज रिव्यू करने वाले भोला, जो कि तमिल मूवी कही थी कि ऑफिशियल हिंदी रीमेक है। दोस्तों, ये मूवी का जब भी ट्रेलर आया तब से इतना बस क्रिएट हो गया कि नो आई वाज ईगरली वेटिंग फॉर, मेरी तरफ बहुत सारे लोग इस मूवी का वेट कर रहे थे। तो आज गुरुवार को ये मूवी रामनवमी के दिन रिलीज हुई है, तो देखते हैं कि मूवी कैसी लगी। दोस्तों, मेरा चैनल का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बात करते रिव्यू ऑफ भोला। इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, ये मूवी क्राइम एक्शन थ्रिलर है विथ फुल ऑफ एक्शन एंड ऑल द ड्रामा विथ इमोशंस। तो दोस्तों, ये मूवी में तीन कहानी एक इकट्ठी होती है। तीन कहानी कैसे, एक कहानी है पुलिस की, जो कि तब्बू इसमें में किरदार में है। तो वो पहले ही सीन में दिखा देते हैं कि एक 1000 करोड़ का ड्रग्स का ट्रक वो पकड़ते हैं। एक सीन हो गया जो पुलिस का सीन जा रहा है, साथ साथ में जो अजय देवगन जो कि भोला के रूप में है, वो एक क्रिमिनल था, वो 10 साल के बाद जेल से बाहर निकल रहा है, उसको अपनी बेटी को मिलना है। मतलब 10 साल से उसको बेटी को भी पता नहीं है कि मेरे बाप कौन है, वो अनाथ आश्रम में है। तो उसको वहाँ छोड़ के उसका एक ही गोल है कि मेरे को मेरी बेटी से मिलना है। और तीसरा चैप्टर है कि जो कि विलन का है, कि जो एक सनी करके दीपक दोबरियाल है, उसका पूरा एक ड्रग्स माफिया है। तो उसका ये ड्रग पकड़ जा रहा है, तो उसको उसको पकड़ना है, मतलब ये पुलिस को पकड़ना है कि मेरा ड्रग्स का वहाँ से निकालो। दोस्तों, ये तीन स्टोरी है इर्द गिर्द इकट्ठी होती है और बाद में एंड होता है उसकी बेटी की साथ। तो दोस्तों, एक्टिंग के बारे में बात करें तो एक्टिंग बहुत ही बढ़िया है, सबकी बढ़िया है। मतलब मैंने दृश्यम 2 में शायद तब्बू को इसी के लिए लेके आया है कि दृश्यम 2 में भी ये अजय देवगन और तब्बू का रोल था उसमें और हिट रही दोनों। तो यही पर वो पुलिस के किरदार में बहुत ही अच्छी एक्टिंग करती है, बाद में इमोशनल थोड़ा सीन्स भी है वो भी अच्छे है। और अजय देवगन बॉस एक्शन तो डेफिनेटली फाड़ू है और फाड़े होने वाला है। मतलब आप उसमें प्लीज़ अपना लॉजिक मत लगाएगा कि एक आदमी ऐसा कितने को कैसे मार सकता है, पर मूवी में ऐसा ही होता है ना। मतलब साउथ के टच की मूवी, साउथ की रीमेक है, तो वो तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि नहीं वो बंदा सुपरमैन है तो वो सबको मार सकता है वो साइड पर। मतलब एक्टिंग एक्शन बहुत ही बढ़िया, और ऐसा नहीं है इमोशन सीन भी, लास्ट में एक इमोशन सीन आता है उसमें, छोटा ही वो शॉट है पर आँख में ऐसे मतलब बहुत सारों के आंसू आ जाएंगे। मतलब इतना इमोशनल सीन, छोटा ही है पर डेफिनेटली आपको दिल को छू जाएगा। और सबसे बड़ा दीपक डोबरियाल। दोस्तों, दीपक डोबरियाल पूरी मूवी में छा जाता है। मतलब इतना अच्छा विलन का किरदार किया है ना कि मतलब दीपक डोबरियाल को मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। भेड़िया में मैंने उसको अलग ही रोल में देखा था, और यहाँ पर बॉस आपके दिमाग में दीपक डोबरियाल डेफिनेटली जगह कर लेने वाला है, इतनी बढ़िया एक्टिंग। बाकी ओवरऑल सभी किरदार की एक्टिंग बढ़िया है, छोटी बच्ची है उसकी भी एक्टिंग बहुत सुंदर है। तो ओवरऑल एक्टिंग भी सबकी बहुत ही बहुत ही बहुत ही सुंदर। तो सिनेमाटोग्राफी भी बहुत अच्छी है, मैंने तो 3D में देखा था, कुछ कुछ सीन्स में 3D में इतना मज़ा आ जाएगा कि बहुत 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 वाव फैक्टर क्रिएट कर देगा। और साथ में उसका क्या BGM है, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत 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 ही बढ़िया है। मतलब वो आपको डेफिनेटली साउथ का मूवी है तो उसका म्यूजिक भी ढांसे ही होते हैं। इस मूवी का भी BGM बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। हाँ, गाने इतने अच्छे नहीं हैं पर वो चल जाते हैं क्योंकि उसमें स्टोरी भी डेवलप की गई है। VFX, CGI और 3D वगैरह एक्शंस बहुत ही सुंदर है। पॉजिटिव के बारे में बात करते हैं तो पहले तो मैं ये बोलूँ कि स्टोरी बहुत ही अच्छी है, फुल ऑफ एक्शन है। उतना ही नहीं, दूसरा मैं पॉजिटिव बोलूँगा इसमें इमोशन भी है। मतलब ये इतना पूरा वायलेंस है तो आपको जस्टिफाई हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि उसमें इमोशंस डाला है ना कि वो अपनी बच्ची को मिलने चाहता है, वो बीच बीच में आता है, वो बच्ची का सीन्स भी, बच्ची को अनाथ आश्रम में दिखाते हैं, उसका भी कन्वर्सेशन होता है, तो डेफिनेटली आपको छू जाएगा। और उसकी पूरी जर्नी है ना वो आपको कनेक्ट करेगी कि नहीं यार वो बच्ची को मिल पाता है कि नहीं, मिल पाता है कि नहीं, वो कैसे रहेगा, मिलेगा तो क्या होगा। तो पूरा उसका जो वायलेंस है तो वो मूवी में जस्टिफाई होता है। इसलिए आपको एक्शन है पर एक्शन इतना ख़राब नहीं लगेगा कि यार क्यों इतनी मारदार है, क्योंकि वो अपने बेटी को मिलने के लिए कर रहा है। तो एक्शन भी है, इमोशन भी है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। एक्टिंग अजय देवगन और दीपक डोबरियाल बहुत ही बढ़िया एक्टिंग है। एक्टिंग के दूसरा पॉइंट दूंगा पॉजिटिव में। और तीसरा बैकग्राउंड म्यूजिक और VFX बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। नेगेटिव में बात करें तो दोस्तों इसके सॉन्ग्स अच्छे मुझे नहीं लगे। दूसरी बात, कुछ कुछ जगह पर आपका ऐसा हो सकता है कि यार इतना मार खा ये हुआ तो फिर भी क्यों ये, इसको कुछ हुआ नहीं, कैसे हुआ, तो प्लीज़ उसको छोड़ दीजिएगा। मतलब नेगेटिव पर मैं आप बोल सकते कि नहीं ये रीमेक है तो मतलब उतना कनेक्ट नहीं कर पाएगा। काफ़ी कई थी आपने देखी होगी तो शायद आपको इतना एंटरटेन नहीं कर पाए, पर ऐसा नहीं है। मुझे तो कई थी देखी थी फिर भी मुझे ये अच्छी लगी, ऐसी बिल्कुल ख़राब रीमेक नहीं है। डेफिनेटली बॉलीवुड ने बहुत ही अच्छी रीमेक बनाई है और मेरे हिसाब से इसको 4.4 star out of 5। डेफिनेटली फैमिली वॉच फिल्म है। हाँ, जिस अगर आपको एक्शन मारधाड़ आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी अगर आपको एक्शन पसंद है, आपको इमोशन ड्रामा पसंद है, आपको थ्रिलर सस्पेंस पसंद है,
तो डेफिनेटली आप ये मूवी में जाके 3D में देख के मजा ले सकते हैं। वर्थ वॉच फिल्म है दोस्तों, ये ब्लॉकबस्टर रहने वाली है और शायद पहले दिन ही 10 करोड़ का ये अर्निंग करने वाली है और ये डेफिनेटली ब्लॉकबस्टर रहेगी ही।